भागवत की कथा सुनकर ताने बजाने से थोड़ी देर में आनंद ले लेने से कुछ नहीं होता, जब तक उसको आचरण में ना आए। और आचरण में तभी आता है जब इंसान खुद का विवेक जाने। तुलसीदास जी की शादी हो चुकी थी जब उनकी धर्मपत्नी ने उनको घर से निकाला। अच्छा, शादी हो गई थी तो मतलब काफी उम्र के भी रहे होंगे, बच्चे तो थे नहीं छोटे से। जस्ट बोले, जितना प्रेम आप मुझसे करते हो और ये पागलपन दिखा रहे हो, पूरी कहानी आपने बहुत जगह सुनी होगी। बोले, इसका कुछ भी अलग कर दो ना, तो बात में बन जाएगा। क्या हुआ? अंदर जागा, जब इतना अंदर से जागा था, रामचरितमानस का निर्माण। जब तक आप अंदर से नहीं जागेंगे ना, तो दुनिया का कोई बाबा, कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई व्यास आपको सिखा नहीं सकता। तो अंदर से जागना बहुत जरूरी है। जब अंदर से जागेंगे तो ग्रो करेंगे, जब अंदर से जागेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अंदर से जागेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, अंदर से जागेंगे तो किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की चुगली। बहुत ही सरल जिंदगी है, हमने कठिन कर दिया। अभी हम योगा के माध्यम से कुछ शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और मन को भी स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि आसान योग जो है यम नियम आसन प्राणायाम पश्चित प्रत्याहार, ये पांच चीजें जो बताएंगी बाहरी रूप से शरीर को सुदृढ़ करने के लिए। तीन चीजें अलग से पतंजलि ने बताया, धारणा ध्यान और समाधि, जो अंतर्मुख की चीजें, अंदर की चीजें, मन की चीजें, आत्मा की चीजें। धारणा ध्यान समाधि वो तीसरी बहुत आखिरी है। पहले तो ये बात चला, बोले अहिंसा का परमो धर्म पे चले, चोरी ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और काम क्रोध लोभ मोह से पैसा इस समाज में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी तो बहुत मात्र भुगतो। मम्मी की सेवा करनी है, पैसा नहीं, अब बताइए क्या करूंगा मम्मी की सेवा? उपाय है सही मार्ग से आए और सही मार्ग पे खर्च, बस। और वो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और वो रुपए खूब अमीर बनो, सब यहाँ चले बच्चे बैठे अमीर बनना, एकदम सफल बनना, बड़ी कार में चलना, बड़े बंगलों में रहना, कोई छोटी चीज नहीं। अगर हम ईश्वर हंस अपने आप को मानते हैं, ईश्वर में कितनी ताकत है, वो अच्छे से रह सकता है ना? छोटा काम कुछ नहीं, सोच सोच तो छोटी रह गई, लेकिन सन्मार्ग अच्छे मार्ग से पैसा आए और अच्छे मार्ग से खर्च, ये बेसिक चीज हमें ध्यान रखना है। यम नियम अगर हो जाए तो हम आते हैं आसन में, फिर जिसमें हड्डियां पूरी फ्लेक्सिबल करते हैं, उसके बाद प्राणायाम होता है, तब कहीं प्रत्याहार होता है, इंद्रियों पर संयम की बात की जाती है। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं, कितनी भी इंद्रियां हैं, किसी को पता है? पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानवान मन। अच्छा, टोटल ग्यारह इंद्रिय है। कल से डायरी नहीं किया था, मैं बहुत चीजें बताऊँ, सब लिखते जाना। मैं धार्मिक प्रवचन करता हूँ, बिना डायरी और पेन के लोगों को बैठने नहीं देता। मैं मेमोरी पावर का ट्रेनर हूँ, बुद्धि कैसे बढ़ाना इसका मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चार घंटे का प्रवचन सुनने के बाद कितनी चीजें यहाँ से ले लेते हैं। बारहवीं बी कॉम एम कॉम एम बी ए ऑल सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया बच्चों को, ठीक है? मेरा कहना है कि मेरा प्रवचन बर्बाद नहीं होना चाहिए,
मैं यहाँ पर बात सकूँ और आप सब सुन रहे हो, आप वहाँ बाहर मुझे बोले अरे शुक्ला जी बहुत बढ़िया भाषण था, माफ करो वो सुनने के लिए मैंने नहीं बोला था कि बहुत बढ़िया था, एक तो आपके आचरण में है दूसरा आपको याद रहे ताकि आप अपने घर में रिश्तेदारों को दोस्तों को पड़ोसी को अच्छी चीजें बांटना चाहिए सर। इस प्रकृति का एक अद्भुत नियम है मुझे बहुत प्यारा लगता है कि बांटने से बढ़ता है दुख, बांट दो तो क्या हो जाएगा घट जाएगा और सुख बांट दो तो बढ़ जाएगा। देखो कैसा नहीं है हमारे पुरातन धर्मों के में क्या कहा गया है कि दुख का समय है तब भी तेरवी करो लोगों को बुलाओ सबको बताओ कि हमको दुख आया है और सुख हो बच्चा पैदा हो तब भी उसको बारहवीं करो उसका 100 महीने पे सबको बुलाओ और सबको बताओ कि हमको सुख आया है। ये प्रकृति का नेचर का सिस्टम का सिद्धांत है परमपिता परमेश्वर का प्रभाव है। इसलिए प्लीज लिखने की आदत रखनी चाहिए जितनी चीज बताएंगे आप डायरी का पेंसिल लेके आएंगे पेन लेके आएंगे लिख के रखेंगे ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या बोला। 4 दिन का प्रोग्राम खत्म और मैं अपनी जगह रहा हूँ अपनी जगह जैसे ही रहा तो फिर क्या होगा। ठीक है बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं आप लोग नोट से लेकर पेन डायरी लेके आएंगे और आप लोग कुछ चीजें लिख लेंगे। ठीक है अभी हमें प्रार्थना बोलेंगे जीवन चलाते हैं समन्वित जीवन उसका नाम मैंने रखा हूँ समन्वित जीवन मेरे जीव एक सामाजिक संस्था है उसका मैं एक प्रार्थना लिखा मेरी खुद की बुक से मेरी सीडी है डीवीडी है अभी 5-6 बुक तो मेरी रेडी हो चुकी मैंने खंडा में भी लिखा है 2 पुस्तक मैं लिख रहा हूँ ठीक है तो समय समय पर एक संकल्प शब्द मैं बोलूंगा और आपको वो दोहराना है और उसके शब्द को समझना है। हे ईश्वर उद्घोष हमारा गूंजे जन जन के मन में सुप्त चेतना जागृत हो मानव के अंतर मन में मैं की परिभाषा छूटे परमात्म प्रस्फुटित हो तन में हे प्रकृति उद्घोष हमारा गूंजे जन जन के मन में अटके भटके को राह दिखाए हे यही वो जीवन में सबल बुद्धि धनवान बने हम विजय स्वप्न ने सबके मन में हे ईश्वर उद्घोष हमारा गूंजे जन जन के मन में हो निरोग काया हम सबकी स्वास्थ्य बांट दे त्रिभुवन में हम स्वयं जगे सृष्टि जगे संकल्प यही हो जन मन में हे ईश्वर उद्घोष हमारा मुझे जन जन के मन में छह लाइन में मेरी पूरी जिंदगी छह लाइन में मुझे नहीं करना इसमें मेरा पूरा जीवन छुपा हुआ यही मैं कर रहा हूँ यही मैं करूँगा। इसकी आखिरी लाइन पर थोड़ा सा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैं 2-3-4 दिन 8 दिन बोलूँगा इतना इसमें छुपा हुआ। हम स्वयं जगे ये सृष्टि जगे हम अच्छे तो हमारे लिए दुनिया हम बुरे तो हमारे लिए दुनिया है अगर हम लोगों को इज्जत देंगे तो हमको क्या मिलेगा गाली देंगे तो क्योंकि क्या होता है इंसान का एक फितरत होता है जिंदगी हम बुरे लोगों से बुराई